वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो करंट अफेयर्स बेस के ऊपर रहेगा। हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे टारगेट आईएएस 2021 के ऊपर। हम लोग इस सेशन के अंदर कवरअप करेंगे करंट अफेयर्स को जो रहेंगे मार्च 2020 से लेकर 2021 अप्रैल तक। इन 70 डेज हमारा टारगेट रहेगा मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक का। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे हम लोग उसको कवरअप करेंगे इन 70 डेज के अंदर। कहने का मतलब कि प्रिलिम्स स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो अपनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है इन द प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको कवरअप ऑलरेडी कर चुके होंगे। क्लियर है? ये एक साल वाला कोर्स आपके लिए 70 डेज के अंदर कवरअप किया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये सेशन देखने के बाद आपको जो करंट अफेयर्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम वो सॉल्व आउट की जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? और ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज मिल जाएगी कि भैया कौन सा करंट अफेयर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सेशंस के अंदर जो हम लोग 70 डेज के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं हर एक न्यूज़ आपको यहाँ पे कवरअप की जाएगी, हर न्यूज़ कवरअप की जाएगी। प्लस इसका ज़्यादा बेनिफिशियल आपको क्या मिल रहा है सर, यहाँ पे ये होगा कि एक्सप्लेनेशन में जो दिक्कत आती है न्यूज़ के अंदर वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इवन न्यूज़ के रेलिवेंट जो हमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे वो भी हम पैरेलली हर एक न्यूज़ के साथ ही कवरअप कर लेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा पहला सेशन रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर और पहला लेक्चर हमारा रहेगा मार्च 2020 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है। क्लियर है? हम इवन मार्च 2020 की जो न्यूज रहेगी उसके ऊपर लगभग 5 से 6 लेक्चर्स को हम लोग चलाएंगे कि 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर हम लोग मार्च 2020 की सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज रहेगी उसको कवरअप कर चुके होंगे हम लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें आज की सबसे पहली न्यूज़ की तो वाटर क्राइसिस इन द हिमालयन रीजन आ रहा है। अब कंसेप्ट देखिए सर, पहले मैं एक बात बोल देता हूँ आज का सेशन शुरू करने से पहले, मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल फास्ट नहीं रहेगी और स्लो भी नहीं रहेगी। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हर एक एस्पिरेंट को नोट डाउन करने का टाइम मिल जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं वाटर क्राइसिस इन द हिमालयन रीजन, सर अब वाटर क्राइसिस आ गए हिमालयन रीजन के अंदर। अगर डायग्राम देखी जाए तो अगर मैंने यहाँ पे जो डायग्राम यूज की है सर, हिमालयन रीजन की डायग्राम यूज कर ली, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेवरल टाउन्स वर सर्वेड इन द हिमालयन रीजन। हमने कई टाउन्स को जो हिमालयन रीजन के अंदर टाउन्स आ रहे हैं उसको कवरअप किया, सर्वे किया और वो टाउन्स आए अपने बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, to understand the challenges of water crisis in urban areas of these regions. Concept देखिए सर, हिमालयन रीजन के जो टाउन्स को सर्वे किया बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, वहां पे वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम आ चुकी है। और वो एरिया कौन सा है? वो अर्बन एरियाज है आपके, ठीक है ना। अगर आगे चलें सेकंड पॉइंट पे कि 8 टाउन्स इन द हिमालयन रीजन ऑफ, हमने 8 टाउन्स को और पढ़ा जो हिमालयन रीजन के अंदर आ रहे हैं, वो बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान में है। जो याद रखिए सर, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है। ये कंट्रीज के अंदर जो हमारे 8 टाउन आए वहां पे 20 से 70% वाटर क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इतना ज्यादा वाटर डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम अभी से शुरू हो चुका है। तो नियरली 20 से 70% डेफिशिएंट इन देयर वाटर सप्लाई। क्लियर है? अब टाउन्स कितने? 8 है। कंट्रीज बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान, अपने नेबर्स हैं, ठीक। अब अगर मैं आगे चलूं कि द प्लेसेस सर्वेड आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन स्प्रिंग्स, सर स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंडेंसी मिल चुकी किन लोगों को सर? इन कंट्रीज को, इन कंट्रीज के टाउन्स को जो डिपेंडेंट रहते स्प्रिंग्स के ऊपर। अब कितना डिपेंडेंसी रहेगा, कंसेप्ट देखो, 50 से 100%, मतलब 50% से 100% तक ये लोग स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 20 से 70% तो डेफिशिएंसी मिल चुकी है फॉर द वाटर एंड 3/4 वर इन द अर्बन एरियाज। अब आगे चलते हैं, ऑल दो ओनली 3% ऑफ द टोटल हिंदू कुश हिमालय, कौन सा हिमालय है, हिंदू कुश हिमालयन पॉपुलेशन lives in larger cities and 8% in the smaller towns, ठीक है। ये बोलते हैं कि projection shows that over 50% of the population, इसमें से जो 50% जनसंख्या है
विल बी लिविंग इन सिटीज बाय द 2050, प्लेसिंग स्ट्रेस ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी. सर शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं. क्यों शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं? ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द वाटर अवेलेबिलिटी. अब अगर यहाँ पे ये स्लाइड के अंदर बात की जाए सर हिंदू कुश हिमालय की, मैं आपको कुछ लिखवाना चाहूंगा जो एड ऑन रहेगा हमारा हर एक स्लाइड के ऊपर एक्स्ट्रा डाटा. सर हिंदू कुश हिमालय अगर वर्ल्ड में है तो वो कितना एरिया कवरअप कर रहा है? वो एरिया कवरअप कर रहा है 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवरअप कर रहा है. कितना कवरअप है? वो है 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का. और अगर बात करें इतने एरिया में कौन कौन से आपकी कंट्रीज आ गई हैं, सर पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया है, इंडिया आ गया है आपका, चाइना आ गया, नेपाल आ चुका है, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया और म्यांमार आ गया. मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार आ रहा है आपका. कितना? 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया हिंदू कुश हिमालय कवरअप कर रहा है आपका. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए फ्रेंड्स. हम लोग आगे चलते हैं. अब अगर आगे देखते हैं कि भारत के अकॉर्डिंग ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट रहती है कि वाटर क्राइसिस इन इंडिया, कहते हैं इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, भारत ने टॉप कर लिया विद द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद द वाटर स्कार्सिटी. भारत ने टॉप कर लिया क्यों? क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद द वाटर स्कार्सिटी. सर क्यों हो गया? एक तो क्या है इसके इसके पीछे कारण क्या रहते हैं? इम्प्रॉपर क्या रहेगा सर? इम्प्रॉपर रेनफॉल, वेदर बोल सकते हो आप लोग. सर दूसरा क्या रहेगा? लैक ऑफ प्लानिंग. सर लैक ऑफ प्लानिंग किसके अंदर? सर लैक ऑफ प्लानिंग मतलब वाटर रिसाइकलिंग के अंदर. कंसेप्ट देखिए, हम लोग जो पानी को रिसाइकल करके फिर से यूज करते हैं उसके अंदर प्लानिंग में हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कमी आ रही है और इम्प्रॉपर रेनफॉल हो रही है जो वेदरिंग के ऊपर कंसेप्ट जाता है. अब अगर दूसरा पॉइंट देखे तो एज मेनी एज 1 बिलियन पीपल, भारत के 1 बिलियन पीपल लिव्स इन एरिया विद फिजिकल वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, ऑफ विच 600 मिलियन आर इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस. कंसेप्ट देखिए सर, एक हमारे पास होता है, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी तो है बट बहुत कम अवेलेबिलिटी है. तो यहां पे लिखा गया हाई से एक्सट्रीम, वो कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना. अब अगर तीसरा पॉइंट पे देखते हैं कि 330 मिलियन पीपल भारत के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? सर 302 डिस्ट्रिक्ट में. इंडिया के 302 डिस्ट्रिक्ट्स में से 330 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट, सूखेपन का शिकार हो गए इन द ईयर ऑफ 2016. ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. यही आपका डाटा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना. अगर बात करें कि ओवर 21% ऑफ कंट्री डिजीज आर वाटर रिलेटेड, सर कंसेप्ट देखो, 21% जो बीमारियां भारत के अंदर अपने को देखने को मिल रही हैं वो पानी के कारण है. सर वो क्यों? क्योंकि अगर वाटर हमें हमें अगर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, क्लियर वाटर, आई एम सॉरी यहां पे मैं लिखना भूल गया, क्लियर वाटर की अगर अवेलेबिलिटी हमें होगी तो ये 21% जो डिजीज हो रहा है तो इसके अंदर गिरावट आएगी. बट हमें क्लियर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है और ये 21% वाली जो वैल्यू है इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. तो कंट्री डिजीज आर वाटर रिलेटेड, ठीक. इन 2015 इंडिया लॉस्ट ओवर 1 लाख चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है, टू द डायरिया डिजीज. सर 1 लाख बच्चों ने अपनी जान गंवा दी. क्यों? उसे डायरिया डिजीज था. और कौन सा ईयर? 2015 का. अगर बात करें एज पर अ रिपोर्ट बाय द नीति आयोग, बेंगलुरु विल सून बी अमंग वन ऑफ द 11 सिटीज इन द वर्ल्ड टू रन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर. कंसेप्ट देखिए सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब थोड़ा सा और एड ऑन कर लेते हैं. सर नीति आयोग क्या चीज है? सर नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अगर बात करें सर ये कब बना था, ये बना था आपका 1 जनवरी को 2015. इससे पहले हम लोग इसको प्लानिंग कमीशन भी बोलते थे. अगर यहाँ पे बात करें बेंगलुरु की, सर बेंगलुरु क्या है? लैंड लॉक सिटी है भारत का. लैंड लॉक सिटी का मतलब क्या है? सपोज करो अगर ये अपना मैंने जो ब्लैक डॉट लगा दिए बेंगलुरु है तो इसके 360 डिग्रीज के बिल्कुल इर्द गिर्द क्या है और दूसरे शहर है, तो हमने बेंगलुरु को क्या बोल दिया? लैंड लॉक सिटी, ठीक है ना. अब अगर थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर ही और चलते हैं.
एक रिपोर्ट आई है, कहते रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट, वो कौन सी रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट है डे जीरो, कहते डे जीरो विल हिट कौन सा शहर, वो है बेंगलुरु। याद रखना सर, डे जीरो विल हिट बेंगलुरु। अब डे जीरो क्या चीज है सर? डे जीरो का मतलब क्या है? व्हेन टैप रनिंग ड्राई, जब आपने पानी का नल खोला पानी ना आए, उसको क्या बोल दिया? डे जीरो। मतलब क्या रहेगा? व्हेन यूज ऑफ वाटर विल बिकम रेस्ट्रिक्टेड फॉर द विटल सर्विसेज ऑन ओनली, मतलब जब हमें सिर्फ पानी विटल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, वो कंसेप्ट है डे जीरो का। अगर ये तो मैं बात कर रहा हूँ भारत के लिए, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बात कर लूँ तो सर अपने पास एक ना कंट्री है साउथ अफ्रीका, सभी को पता ही है ना, काफी ज्यादा मैचेस होते हैं, तो साउथ अफ्रीका के अंदर अपने पास एक सिटी आ गया सर, केप टाउन। केप टाउन भी क्या हो चुका है सर? केप टाउन को भी डे जीरो डिक्लेयर कर दिया था। कब डिक्लेयर कर दिया था सर? 2018 के अंदर। अगर और आगे चले थोड़ा सा, ब्राजील, अपने पास एक पूरा कॉन्टिनेंट आ गया सर, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका के अंदर ही है ना, तो अगर मैं बात करूं ब्राजील के अंदर एक अपने पास मिल जाएगा साओ पाउलो। इसके अंदर भी वाटर क्राइसिस आए थे सर। कब आए थे इसके अंदर वाटर क्राइसिस? मतलब डे जीरो 2015 के अंदर। ये पॉइंट्स प्लीज आप लोग नोट करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए या फिर लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। अब अगर मैं और बात करूं बार्सिलोना सर, बार्सिलोना कहां पे देखने को मिल जाएगा? जी बिल्कुल बढ़िया सोच रहे हो, स्पेन के अंदर मिल जाएगा। ठीक यहां पे भी आपको सॉरी वाटर क्राइसिस देखने को मिले थे सर। कब देखने को मिल गए थे सर? ये तो बहुत ही अर्ली देखने को मिल गए थे हमें, एक मिनट सर, ये अपने को 2008 में देखने को मिले। तो ये वाले फिगर्स आपको दिमाग में होने चाहिए सर। बेंगलुरु में कब देखने को मिल रहा है सर? बेंगलुरु में हमें लगभग लगभग 2020 में देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन में देखने को मिला 2018 में। ब्राजील साओ पाउलो में 2015 में देखने को मिल गया। बार्सिलोना जो स्पेन के अंदर है, हमें वहां पे 2008 में डे जीरो देखने को मिला था। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सर, ये वाला आपका जो न्यूज रहेगा वो जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंसेप्ट याद रखना सर, जनरल स्टडीज 1 के अंदर वाटर रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो, और जनरल स्टडीज 3 में कंजर्वेशन वाला जो अपना टॉपिक है उसके अंदर आप लोग ये न्यूज को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है सर, एक्सट्रीमली हाई वाटर क्राइसिस भारत के कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हाई चल रहा है, मतलब मोर देन 80%। तो ये देख लीजिए, जिसके अंदर हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है सर, हिमाचल प्रदेश भी इवन आ रहा है, प्रॉपर पंजाब नहीं आ रहा, मैं बात करता हूँ नॉर्थ पंजाब इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये एक मिनट, अब थोड़ा सा पेन का कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं सर। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला भाग देख लो जो मैंने अभी यहाँ पे ब्लू येलोइश किया है, ये वाला भाग, इसको मैंने क्या बोल दिया? नॉर्थ पंजाब। ये वाला एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस में नहीं आता सर। क्यों नहीं आता? इसके पीछे का भी कारण है, वो आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये वाला तो पीसीएस के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा सर। नॉर्थ पंजाब के अंदर हमें इंडस रिवर की कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज को देखने को मिलती हैं सर जी। वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं सर जी? वो अपने पास ब्यास मिल जाएगी सर, रावी मिल जाएगी, और सबसे बड़ी नदी मिल जाएगी सर, सतलुज। इनके कारण हम लोग नॉर्थ पंजाब एक्सट्रीमली हाई के लिस्ट से बाहर हो चुका है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं उसके बाद राजस्थान भी अपने पास आ रहा है, दिल्ली एनसीआर, इवन हरियाणा भी आपके पास आ रहा है। अब सबसे ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाला है सर, ये वाला हिस्सा, ये देखो सर, ये क्या चीज है सर जी? ये तो यूपी आ गया ना, इवन यूपी इज ऑल्सो फेसिंग द एक्सट्रीमली हाई वाटर क्राइसिस। इवन गंगा के होते हुए भी हम लोग जो वाटर स्ट्रेस है उससे झेल रहे हैं यूपी को, ठीक है ना। यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है सर। गुजरात आ गया और यहाँ पे साउथ गुजरात आ रहा है, ये आ गया अपने एक्सट्रीमली हाई, मतलब मोर देन 80% यहाँ पे वाटर स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है,
क्लियर है? ये वाला आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये ग्राफ आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, पीडीएफ तो वैसे मिल जाएगा, बट इसको एक बार वैल्यूज को नोट डाउन कर लेना, ये वाली वैल्यूज आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन कौन सा राज्य है और उसके अंदर वाटर स्कार्सिटी है कि नहीं है, अगर है तो क्या वो एक्सट्रीमली है, क्या वो हाई है, क्या फिर मीडियम टू हाई है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, इससे आप लोग कंपेरिजन कर सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगर बात करें गिर नेशनल पार्क की, अरे भैया गिर नेशनल पार्क की बात कर ली सर, गिर नेशनल पार्क अगर आएगा दिमाग में तो मेरे पास तो एक राज्य आ जाएगा सर, कौन सा? गुजरात आ जाएगा ना। कहते द गिर नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। याद रखना सर, कहाँ पे मिल जाएगा? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आपने अपने को देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें कि द गिर फॉरेस्ट इज ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इन द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिलिम्स। सर याद रखेगा, गिर नेशनल पार्क पूरे दुनिया में फेमस है, किस लिए? सर एशियाटिक लाइंस के लिए फेमस है, कि ऐसा इकलौता पूरे दुनिया में ऐसा आपको पार्क मिल रहा है जहां पे एशियाटिक लाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भैया वो कौन सा है? वो है एशियाटिक लाइंस वाला, वो है गिर नेशनल पार्क, जहां पे आपको बहुत ज्यादा झुंड में आपको एशियाटिक लाइंस देखने को मिलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी इन 1965। कहते गिर नेशनल पार्क को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया 1965 में और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया 1975 में, 1975 में। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंस, अब यहां पे ना कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, सर सेंचुरी क्या है, फिर नेशनल पार्क क्या है, 10 साल का गैप आ गया था ना। अब कंसेप्ट सुनो नेशनल पार्क के लिए, सर नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड टेरिटरी है दैट इज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट, एक ऐसी प्रोटेक्टेड टेरिटरी जो भारत सरकार बनाती है टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ को बचाकर रखेगी उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। अब अगर मैं बात कर रहा हूं सेंचुरी की, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये क्या है? इज अ नेचुरल हैबिटेट, इसको भी नेचुरल हैबिटेट बोला गया है, और इसको कौन चलाता है? इज रन बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, या तो भारत सरकार चला सकती है या फिर प्राइवेट सेक्टर भी इसको चला सकता है। टू प्रोटेक्ट सर्टन स्पीशीज, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसी सर्टन स्पीशीज को भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं ना वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो वो वाला कंसेप्ट आप लोग यहां पे अच्छे से बता सकते हो। ठीक, आगे चलें। अब अगर आगे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि द गिर फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट कंपैक्ट ट्रैक्ट ऑफ ड्राई डेसीडस फॉरेस्ट। सर ये ड्राई डेसीडस फॉरेस्ट क्यों बोल दिया? सर इसको एक मिनट, ये अपना क्या है, ये अपना गुजरात आ गया, तो सर अगर ये गुजरात आ रहा है तो गुजरात का इतना एरिया कम्स अंडर द ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, इसीलिए तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, जहां पे बारिश लगभग लगभग 1100 सेंटीमीटर तक की आपकी मिल जाएगी इन द सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, कहते गिर इज ओफन लिंक्ड विद द, इसको लिंक किया गया किसको सर? गिल को, किससे? मालधारीज को। अब सर ये मालधारीज क्या है? ये मालधारी एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी प्रजाति रहती है, मतलब क्या है, ट्रेडिशनल है, अ ट्रेडिशनल पेस्टोरल्स हर्ड्समैन अराउंड द गिर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर सेवरल जेनरेशंस इन गुजरात। वो ऐसे प्रजाति ट्रेडिशनल पेस्टोरल्स हर्ड्समैन हैं जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क के इर्द गिर्द कई सदियों से रहती आ रही है। ठीक है ना? अब अगर मैं बात कर लूं सर मालधारी का वैसे मतलब क्या रहता है, सर मालधारी का मतलब होता है ऑनर ऑफ गुड्स, ऑनर ऑफ गुड्स देखा गया है हमने इसको, किस चीज के गुड्स? सर कैटल लगा लो, ठीक, कोई डाउट नहीं है यहां पे। हु हैव सर्वाइव थ्रू द एजेस बाय हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशंस विद द लाइंस। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। आगे चलते हैं, एशियाटिक लाइन प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है सर, कि एशियाटिक लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है, सर इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। सर एशियाटिक लाइन जो अपने पास गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, सर ये वो गिर नेशनल पार्क है, हमने जब 1975 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था, क्योंकि 1965 में हमने इसको गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला था,
देखो मेरी हैबिट यही रहेगी, अगली स्लाइड करने से पहले मैं आपको पिछले वाला स्लाइड एक बार रिकॉल करवाता जाऊंगा, ठीक है ना। तो एशियाटिक लाइन है, उसका साइंटिफिक नाम रहता है पैंथेरा लियो पर्सिका, वल्नरेबल टू डिजीज, एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल कैलामिटीज, ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसी के कारण तो ये न्यूज में आ गया था सर, गिर नेशनल पार्क क्यों आया न्यूज में, इसीलिए तो न्यूज में आ गया सर। एक तो बीमारी का खतरा, फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग रही है, नेचुरल कैलामिटीज, ग्रेजिंग्स, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, पोचिंग, टूरिज्म हो गया, रिलीजियस पिलग्रिमेज हो गया, एंड एक्सीडेंटल लाइन डेथ ड्यू टू द ह्यूमन कॉज। ठीक, अब इसके अंदर एक ये भी पॉइंट मैं तो इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा सर, सीडीवी 2018 के अंदर ना गिर नेशनल पार्क के अंदर एक बीमारी आ गई थी, एक डिजीज आ गया था जिसको सीडीवी बोला गया था, जिसके कारण 25 लाइंस की डेथ हो गई थी, याद रखना। और वो सीडीवी डिजीज कौन सा हुआ है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। सर ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट किसको करेगा सर, वो इन्फेक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, किसको इफेक्ट करेगा, एनिमल्स के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को इफेक्ट करता है सर, और किसको इफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी को इन्फेक्ट करेगा सर, और किसको इन्फेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये कंसेप्ट को प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, इवन अगर मैं और डिटेल में जाऊं आपको, बट ये जो मैं बोलूंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सर। लाइंस में सीडीवी वायरस आने से पहले, सबसे पहले ये आए थे डॉग्स के अंदर, फिर आया था लाइंस के अंदर, ये चीज याद रखना। इवन कमेटी भी बैठी थी कि अगर हम लोग डॉग्स की वैक्सीनेशन कर दे तो शायद ये बच जाए, ये ट्रांसफरेबल है वायरस ये वाला, करेक्ट है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग चलते हैं हमारी तीसरी न्यूज के ऊपर, जो है नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2020। सर अभी बात करते हैं, ये वाली जो न्यूज है जनरल स्टडीज वन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सर। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये एशियंट इंडियन हिस्ट्री में आ रही है सर, याद रखना, एशियंट इंडियन हिस्ट्री में आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। अब है क्या चीज, देखिए कहते हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, उन्होंने इन्फॉर्म किया, किसको सर, लोकसभा में इन्फॉर्म किया है उन लोगों ने, दैट इंडिया हैज सबमिटेड, इंडिया ने सबमिट कर दिया है टू नॉमिनेशंस। कौन कौन से हैं वो कौन से हैं, सबसे पहला, एक मिनट पहले क्लियर कर लेते हैं, सबसे पहला धोलावीरा सर, धोलावीरा में ऐसा क्या है, वो है हड़प्पन सिटी, और दूसरा है अपना मॉन्यूमेंट्स एंड द फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनेट। अब सबसे पहले तो एज अ लेमैन पढ़ा देता हूं सर, हड़प्पन सिटी की बात आ गई तो मेरे दिमाग में एक चीज घुस गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था ना, हड़प्पन सिटी वो कंसेप्ट आ गया। अब बात करते हैं सर डेक्कन सल्तनेट की, तो डेक्कन के अंदर हमें जो सल्तनेट देखने को मिला था यहां पे, क्लियर है ना, यहां पे सर हमें जो देखने को मिला था, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, यहां पे लिखा गया फॉर द इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2020, क्लियर है। द सिटी ऑफ धोलावीरा लोकेटेड इन खदीर आइलैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, एक मिनट सर, खदीर आइलैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ देख लेते हैं सर, इसकी बात कर रहे हैं ये लोग सर, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सर, इसकी बात कर रहे हैं ये सारे के सारे, ये भाग की बात कर रहे हैं। जो धोलावीरा हमें मिला खदीर आइलैंड के ऊपर इन द रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, बिलोंग टू हड़प्पा फेस, याद रखें बिलोंग टू हड़प्पा फेस। अब अगर बात कर लूं सर, ये वाली साइट किसने एक्सकवेट की थी, वो किया गया था बाय आर एस बेस्ट इन 1985, ये अंडरलाइन कर लो, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सर, ये साइट एक्सकवेटेड किया गया था बाय आर एस बेस्ट इन 1985। अब आगे चलते हैं, इट डेमोस्ट्रेट्स अ हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। अब हमने देखा ही था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी सर, सिटेडल्स होते हैं,
सिटेडल आपको देखने को मिल जाएगा सर, लोअर सिटेडल देखने को मिल जाएगा। अपर और लोअर में क्या था, जो अपर क्लास थी वो अपर सिटेडल्स में मिलती थी, और जो मिडिल और लोअर क्लास थी वो आपको लोअर सिटेडल्स में देखने को मिलती थी। इवन यहाँ पे जो भी स्ट्रीट्स रहती थी वो 90 डिग्री के एंगल पे रहती थी, जो यहाँ पे सड़कें देखने को मिलती थी वो ब्रिक से बनी हुई थी। और क्या था, सपोज कर लो अगर ये किसी का घर है, लेट से अगर ये किसी का घर है, तो ये घर के बिल्कुल इर्द गिर्द क्या था सर, ये घर के इर्द गिर्द था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, कि जो भी हम लोग यूज्ड वाटर था वो घर से बाहर निकल के यहाँ से पाइपलाइनिंग से होकर एक एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था। तो तभी तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया ना कि टाउन प्लानिंग। सर टाउन प्लानिंग क्यों वर्ड यूज किया, इन कारणों से हमने यहाँ पे यूज कर लिया, करेक्ट है। विद परफेक्टेड प्रपोर्शंस स्ट्रीट पैटर्न्स एंड एन एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, बिल्कुल अभी हमने देखा ना कि एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था दैट सपोर्टेड लाइफ फॉर मोर देन 1200 इयर्स, मतलब 3000 BCE से 1800 BCE तक, अगेंस्ट हार्श हॉट एरिड क्लाइमेट, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, कहते द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दक्कन सल्तनत डेमोस्ट्रेट्स कवरेजेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड देयर इंटरसेक्शन विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से सर, हमें दक्कन सल्तनत में कौन से आर्किटेक्ट देखने को मिले, मोस्टली उस टाइम में इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिला, एंड देयर इंटरसेक्शन, और किससे इंटरसेक्शन हुआ, विद द प्रीवेलेंट हिंदू आर्किटेक्चर। कंसेप्ट देखिए सर, ऑफ द पीरियड सदर्न इंडिया इन प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, आज के टाइम में वो दो राज्य कौन कौन से हैं हम जिसको बोल रहे हैं कि ये साइट हमें वहां पे मिली, वो है कर्नाटका और दूसरा है अपने पास आंध्र प्रदेश। कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगर देखें यहां पे ये बोलते हैं कि मॉन्यूमेंट्स एंड द फोर्ट्स ऑफ दक्कन सल्तनत कंप्राइजिंग ऑफ फोर कॉम्पोनेंट्स, अभी हमने देखा था ना, एक तो था अपना धौलावीरा, सर धौलावीरा के अंदर हमने पढ़ लिया था ना हड़प्पा सिविलाइजेशन, अभी अभी देखा ना हमने, और दूसरा कौन सा था सर, दूसरा था अपने पास मॉन्यूमेंट्स एंड द फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत कंप्राइजेस ऑफ फोर कंपोनेंट्स। सर वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला आ गया बहामनी मॉन्यूमेंट्स एट गुलबर्गा। सर बहामनी मॉन्यूमेंट एट गुलबर्गा जो कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, यहां तक कोई डाउट है क्या। अब मैं बात करता हूं सर गुलबर्गा की, सर गुलबर्गा याद रख लो, कहते गुलबर्गा वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ, वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहामणी किंगडम, गुलबर्गा वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहामणी किंगडम, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट आता अपने पास, कहते बहामणी एंड बरिद शाही मॉन्यूमेंट्स एट बिदार कर्नाटका। सर कहाँ पे है, सर ये रहा अपना बिदार, ये देख लो कंसेप्ट, सर ये रहा अपना बिदार, अहमदनगर के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इन बिटवीन अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्या सर बिदार आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि अदिल शाही मॉन्यूमेंट्स एट बीजापुर, बीजापुर सर ये रहा जो आज के टाइम में हम लोग गोवा के अंडर भी देख लेते हैं, ये कंसेप्ट देखिए सर, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले, अब सही रहेगा, जो मैप में मैंने रेड सर्कल ड्रॉ किया है ये हमने बीजापुर को किया है ड्रॉ। सर इसके अंदर अदिल शाही मॉन्यूमेंट्स हैं, अब ध्यान दीजिए यहां पे बोला गया है कि अदिल शाही मॉन्यूमेंट्स, सॉरी यहां बोला गया कि अदिल शाही मॉन्यूमेंट्स हैं जो बीजापुर के अंदर इंक्लूड, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, इसके अंदर हमें मिल रहा है गोल गुंबज। सर गोल गुंबज क्या है, इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, हमें बीजापुर के अंदर ही देखने को मिलेगा सर क्या, गोल गुंबज जो सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड है, और ये किसके अंडर था, ये है अदिल शाही मॉन्यूमेंट्स के अंदर। अपने पास आगे आता है कुतुब शाही मॉन्यूमेंट जो हैदराबाद के अंदर है आंध्र प्रदेश में, क्लियर गोलकोंडा के अंदर, यहां तक कोई डाउट, आगे चले। अब अगर मैं थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बता देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको एक्सकवेटेड सबसे पहले निकाला गया किसने किया, 1920s के अंदर किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, कब किया गया था बाय द ब्रिटिशर, और सर वो कौन ब्रिटिशर था जिसने सबसे पहले 1920 के अंदर इसको एक्सकवेट किया था, वो थे आपके सर मॉर्टिमर व्हीलर,
इसको नोट कर लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सर मॉर्टिमर विलर, एक मिनट मैं क्लियर करके नाम लिख देता हूं, ये था 1920 के अंदर इसको एक्सकावेट किया गया था बाय द ब्रिटिशर, वो थे सर मॉर्टिमर व्हीलर। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? इवन याद रखना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो सबसे पहले इमर्ज किया गया था इन नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ये तो आप सभी को नॉलेज ही है। ठीक, आगे चलते हैं। कहते हैं दिस इज एम्बॉडेड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड कन्वेंशंस कंसर्निंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज adopted by the UNESCO in the 1972. UNESCO की फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ भैया, लिख लो, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Repeat कर रहा हूँ, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. इसका आपको हेडक्वार्टर्स कहाँ देखने को मिलेगा? सर पेरिस में देखने को मिल जाएगा UNESCO का आपको। ठीक, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलें, अब आगे चलते हैं, अपनी आगे की न्यूज रहती है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। सर कौन से न्यूज में इंपॉर्टेंट है, कौन से पेपर के लिए? सर जनरल स्टडी 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सर जीएस 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, कहते द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेंस एक्सपेंडिचर, इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया किसके किसके ऊपर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द राज्यसभा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि द डिफेंस एक्सपेंडिचर जो अभी हमने डिफेंस के ऊपर खर्चा किया इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ये हर साल इंक्रीज कर रहा है, एक मिनट, ये हर साल इंक्रीज कर रहा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, क्यों? Implying higher spending. सर एक तो concept याद रखो, सर क्यों increase कर रहा है? क्योंकि आजकल ना जो इंडिया face कर रहा है वो threats face कर रहा है, वो किस से? एक तो पाकिस्तान से और एक चाइना से, और इवन इंडिया अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है इन द एरियाज ऑफ डिफेंस। अगर मैं बात कर रहा हूँ नेवी की ना, तो आज के टाइम में भारत के पास बहुत अच्छी नेवी है, ठीक है ना। Implying higher spendings, however, defense budget as a percentage of GDP may appear to be decreasing. अब कम क्यों? Due to increasing trends in the growth of GDP. कहते defense budget as a percentage of GDP may appear. अगर मैं GDP के perspective में defense budget को देखता हूँ तो मुझे ये भी budget कम लगता है, defense वाला budget, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, इन बजट एक्सपेंडिचर 2019 से 20 टोटल डिफेंस बजट कितना था हमारा, वो था 15.47% ऑफ द टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं, अब यहां पे बोला गया कि इन बजट एक्सपेंडिचर 1920 द कैपिटल बजट ऑफ Military of Defense is approximately 31.97 of the total capital expenditure. Sir, ये क्या होगा? Total capital expenditure वो concept है, मतलब money spent, जो खर्चा किया जाएगा on land, building, lands पे, building पे, machinery पे और equipments पे। हम लोग वो पैसा जो जमीन पे, बिल्डिंग पे, मशीनरी और इक्विपमेंट पे खर्चा किया गया, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंसेप्ट देख लेना, ध्यान रखना, डिफरेंस ध्यान रखना। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये आप लोग इकोनॉमी में भी यूज करोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब अपने पास आगे न्यूज आती है BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम। सर ये न्यूज आई, ये न्यूज तो आ तो गई थी सर, जनरल स्टडीज 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक, शुरू करते हैं। कहते 19th फाउंडेशन डे था, किसका? सर 19th फाउंडेशन डे बनाया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको हमने बोला BEE, फुल फॉर्म के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑर्गेनाइज अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन टू डेवलप अ विजन टूवर्ड बिल्डिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया। इंपॉर्टेंट रहेगा इन द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिए ये कंसेप्ट को।
यहाँ पे बोला गया है सर बीडब्ल्यू क्या चीज है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या चीज, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज पढ़ लेते हैं। सर ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था, किसको सर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी को। सर क्यों किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को, क्योंकि हमें सेव करना था इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को कब किया, ऑन 1 मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ, इसको नोट डाउन कर लेना सर, अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। सर ये था आपका एड ऑन डाटा जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर हमने तो पढ़ लिया कि बीडब्ल्यू एक न्यूज आ गई, चलो ठीक है, जिसका फुल फॉर्म द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अरे भैया वो तो ठीक है, बट इसने भारत सरकार ने इसको बनाया कब और कौन से एक्ट के अधीन इसको लेकर आया, तो ये चीज ध्यान में रखना। सर ये बीडब्ल्यू को हमने 1 मार्च 2002 को शुरू किया था, स्टार्टअप किया था, और अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है ना। अब यहां पे बोला गया कि बीडब्ल्यू एक्सपैंड द कवरेज ऑफ इट्स स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। अभी हम देखते नहीं है, अगर कोई भी आपने एसी लिया तो इस तरह की आपको ना यहां पे ऊपर स्टिकर मिलता है जिसमें स्टार्स लगे होते हैं। हम बोलते हैं कि सर 5-star रेटिंग है कि 4-star रेटिंग है कि 3-star रेटिंग है, तो उसी के ऊपर ये कंसेप्ट आ रहा है। तो इन्होंने अपनी स्टार रेटिंग को एक्सपैंड किया है कहां कहां पे, बाय इंक्लूडिंग एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डीप फ्रीजर्स एंड लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स। कहने का मतलब क्या है, अब जो कमर्शियल, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, कि डीप फ्रीजर्स हो गए या फिर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स, हम लोग उसके ऊपर भी बीडब्ल्यू की रेटिंग को यूज करेंगे। द प्रोग्राम विल बी इनिशियली लॉन्च्ड इन द वॉलंटरी मोड फ्रॉम 2nd of March 2020। इसको इनिशियली वॉलेंट्री मोड पे स्टार्ट किया गया है 2 मार्च 2020 से, कब तक, 31 दिसंबर 2021 तक। देयर आफ्टर इट विल बी मेड मैंडेटरी, उसके बाद इसको मैंडेटरी किया जाएगा आफ्टर रिव्यूइंग द डिग्री ऑफ मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एप्लीकेशन अप्लायंसेस, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कहते थ्रू दिस इनिशिएटिव इट इज एक्सपेक्टेड टू सेव अराउंड 2.8 बिलियन यूनिट्स। अब कंसेप्ट देख लो सर, कितने यूनिट बचा दिए सर, 2.8 बिलियन यूनिट्स बचा दिए। सर अगर इतने यूनिट्स बचा दिए तो पीछे हमने क्या बचा दिया सर, पीछे हमने कोयला बचा दिया। कंसेप्ट याद रखना सर, मैं आपको अब न्यूज़ के अंदर न्यूज़ निकाल के दे देता हूँ। सर अगर इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हमने भारत सरकार ने सेव कर ली, कोयला बचा दिया, अगर कोयला नहीं जला तो सर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ तो इसके अंदर हम लोग खरे उतर चुके हैं सर, वो क्या चीज़ है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि कार्बन एमिशन कम से कम करना है तो हम लोग कर देंगे ना, वो कंसेप्ट है। याद रखना कोई भी काम करना है तो आप डायरेक्टली कर तो सकते हो, बट उसको इनडायरेक्टली भी पूरा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, जिसको बोला गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच इज इक्विवेलेंट टू द ग्रीन हाउस गैस। सर जी ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो गर्मी को अपने अंडर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो क्या है दैट ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर, याद रखना, क्लियर है, विच इज इक्विवेलेंट टू द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन ऑफ 2.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू लगा लो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लगा लो, ये चीजें तो आपको धड़ाधड़ पूछेंगे ही पूछेंगे। सर कितने यूनिट बचा दिए, 2.8 बिलियन यूनिट्स, अगर इतने यूनिट बच गए तो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी, वो कितनी होगी, 2.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम हो चुकी है सर, ये कंसेप्ट तो देख लो आप लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे लिखा गया है द स्टार लेबलिंग प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द, अभी हमने पढ़ा था ना कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने शुरू किया था अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अभी तो कब शुरू किया गया था सर, इसको शुरू किया गया था मार्च 2002 में। अब अगर मैं बात कर लूँ रिसेंटली, अब अगर ये न्यूज आ भी रही है ड्यूरिंग इट्स लॉन्चिंग, जो हमने 1 मार्च 2020 में शुरू किया, उसी दिन हमने एक एनर्जी, इसको भी नोट कर लो फ्रेंड्स, एनर्जी एफिशिएंसी क्या शुरू किया, नेम्ड शुरू किया था, एक इवेंट था, वो कौन सा था, दैट इज कॉल्ड उदित, याद रखना सर, उसी दिन हमने उदित को भी शुरू कर दिया था। सर उदित स्टैंड फॉर द ऊर्जा दक्षता
इन्फॉर्मेशन टूल, मैं रिपीट कर देता हूँ, ऊर्जा दक्षता इन्फॉर्मेशन टूल को हमने उसी दिन लॉन्च किया था, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट है कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स कंट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ऑफ 7.14% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ द कंट्री। सर देखो कहने का मतलब क्या है, हमने इतनी यूनिट्स बिजली के सेव कर दी, कितने से 2.8 बिलियन यूनिट्स, अगर मैं इसको परसेंटेज में ले लूँ तो पूरे भारत सरकार का कितना परसेंटेज आ गया, वो है 7.14%। एंड एमिशन रिडक्शन, तो कितना एमिशन रिडक्शन CO2 का बच रहा है, वो है 108.28 मिलियन टन ऑफ CO2 ड्यूरिंग 2017 से 18। एक साल के अंदर हमने इतना CO2 को क्या कर दिया, सेव कर लिया, एमिट नहीं होने दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑन द 1st of March 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। हालांकि इसको हमने रिपीट कर दिया फिर से, ये बोलते हैं द मिशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज to assist in developing policies and strategies with thrust on the self-regulation and market principles within the overall framework of Energy Conservation Act 2001 with the primary objective of, इसका primary objective मतलब main मुद्दा क्या है सर, primary objective रहेगा reducing energy intensity of the Indian economy। concept देख लो सर, इस चीज को आप लोग use करना main से, ठीक है ना, आगे चलें। ओके अब देखा जाए तो ये था आपका BEE का, क्लियर है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 1, 2, 3, 4, 5 ये रेटिंग्स आती हैं कि स्टार रेटिंग आ रही है आउट ऑफ 5, उसके बाद EER वैल्यू आपकी आएगी, अगर हायर रहता है तो बेटर होता है, फिर उसके बाद एक रेटिंग मिलेगी लेटेस्ट, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, स्टार लेबलिंग पैरामीटर्स जो आपके यहाँ पे रहते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम लोग एसीस के अंदर देखने को मिलता है, अभी ये रेटिंग कमर्शियल लाइट एसी, सॉरी लाइट कमर्शियल एसीस के अंदर भी हम लोग यूज करेंगे, और उसके अंदर डीप फ्रिजेस के अंदर हम लोग इसको यूज करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। चले आगे, अब आता है अपने पास नेक्स्ट न्यूज आती है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। सर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी, जनरल स्टडीज 2 और जनरल स्टडीज 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज रहने वाली है, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहता है, एक मिनट मैं जूम कर लूं थोड़ा सा, यहां पे लिखा गया कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलेगा OECD। सर OECD है क्या चीज, सर OECD इज अ इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करता है सर, एक तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा, याद ध्यान रखना, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस करता है एंड वर्ल्ड ट्रेड को ये संभाल के रखता है, क्या है, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। कब बना था ये, 1961 में बना था, क्या बना था, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर्स आपको सेम मिल जाएगा पेरिस के अंदर, क्योंकि पेरिस के अंदर अभी हमने एक और हेडक्वार्टर को पढ़ लिया सर, वो था यूनेस्को, ठीक है ना। हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2020 से 21 तक बाय 110 बेसिक पॉइंट्स। मतलब सर इकोनॉमिक इंपैक्ट तो हुआ, गिरी है ड्यू टू कोरोना वायरस, कहते 5.1% है, वार्निंग दैट इंपैक्ट ऑफ COVID-19 आउटब्रेक ऑन द बिजनेस कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द ट्रेवल सेक्टर इंक्लूड डिसरप्शन टू सप्लाई चेन कुड शेव 50 BPS, मतलब बेसिक पॉइंट्स सर काट दिया गया, किसको सर, बेसिक पॉइंट्स को, 50 बेसिक पॉइंट्स सर शेव कर दी, बिल्कुल क्लीन हो गया, क्यों सर, एक तो सप्लाई चेन का मतलब क्या है, अब कंसेप्ट ये है, मैंने भारत के अंदर मैंने कोई इंडस्ट्री लगा ली, अब वो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, सपोज करो मैं कोई कंट्री से XYZ कंट्री से रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूँ, बट ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन होने के कारण मुझे रॉ मटेरियल मिला नहीं, जिसके कारण मेरा प्रोडक्ट रेडी नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट रेडी नहीं होगा तो मुझे क्या जाएगा, लॉस जाएगा, जिससे कि मेरी भी इकोनॉमी काफ़ी कम जाएगी ना परसेंट टू परसेंट, तो वो पॉइंट है। कहते चाइना इज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑटो कॉम्पोनेंट्स
चाइना अगर बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स का लीडिंग सप्लायर है भारत का, अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट, 27% टोटल इम्पोर्ट किया गया था। अभी अगर देखा जाए तो हमने बोला नहीं था, हमने एक मिनट हमने अभी क्या यूज किया है, BS4 इंजन्स को अभी हमने यूज किया था, बट अभी हम शिफ्ट हो चुके BS6 इंजन्स टेक्नोलॉजी के अंदर ना, ड्यू टू द कार्बन एमिशन। तो अगर BS4 से BS6 अभी रिसेंटली हम गए थे, तो कोविड के कारण जो लॉकडाउन हो गए, तो हमें अगर कंपोनेंट्स और क्या रहेगा इंपोर्ट प्रोडक्ट अगर हमें नहीं मिलेगा, तो क्या रहेगा BS6 के अंदर हमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। तो क्या रहेगा हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। The Sensex, कहते the Sensex worst fall in the history, जो Sensex था आपका काफी ज्यादा गिर गया था। सर वो कितना गिर गया आपका Sensex, आपका गिर गया था 24th of August 2015 को। अगर बात कीजिए, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, 24 अगस्त 2015 को जब गिरा था, when indices fell 1624 point जब गिरा था, on the back of a slump in the Chinese market and rising the crude oil prices, ठीक। अब कंसेप्ट है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी कुड ग्रो एट इट्स स्लोएस्ट रेट। अब अगर आप देखते हैं, अगर COVID-19 का जो प्रॉब्लम है अब डे बाय डे अगर कम हो रहा है, तो इकोनॉमी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी, बट एकदम से नहीं बढ़ेगी। वो बढ़ेगी तो बहुत स्लोली बढ़ेगी। तभी तो लिखा कि स्लोएस्ट रेट है सिंस 2009 में भी ऐसा प्रॉब्लम आई थी कि हमारा इकोनॉमी बहुत गिर गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, दिस ईयर ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक। According to the Organization for Economic Cooperation and Development OECD, the OECD has forecast growth of just 2.4% in 2020, down from 2.9% in the November 2019. ध्यान में रखना ये चीजें आप लोग। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करता हूँ भारत के जीडीपी की, तो भारत का जीडीपी देखिए कितना फ्लक्चुएट किया था पहले 2000 से 2004 तक, इन बिटवीन बहुत नीचे आ गया था, फिर हमने अपनी जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था। बट अब अगर बात करें, अब मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये वाले पॉइंट पे, जब यहाँ पे COVID-19 आउटब्रेक हो चुका था, तो भारत की जीडीपी का बहुत बुरा हाल था। अब अगर देखते हैं कि जैसे जैसे COVID-19 का जो आउटब्रेक है वो कम हो रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ तो रही है बट बहुत कम बढ़ रही है, बहुत ही कम। इवन अगर देखें 2020 से 2024 में अब फिर से थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, एकदम से नहीं बढ़ पाएगी हमारी इकोनॉमी, ठीक है ना। अब देखते हैं, कहते हैं फॉल इन द कस्टमर डिमांड, बिल्कुल ठीक है। अब कस्टमर की डिमांड ही नहीं रहेगी, जब कस्टमर, जब कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा है, शॉपिंग नहीं कर रहा, तो डिमांड क्या कर जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ट्रेवल हिस्ट्री से ट्रेवलिंग में तो रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। द COVID-19 आउटब्रेक वॉज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 30 जनवरी 2020। ये चीज भी याद रखना। यहां बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन, अब रिकमेंडेशन आया था, किसने भेजा सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया था कि द डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 मस्ट बी कंफर्म्ड। सर COVID-19 को कंफर्म करवाना है बाय द रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, मतलब RT-PCR टेस्ट, जिसको हमने बोल दिया था ना। कंसेप्ट ध्यान से देखना प्लीज इसके अंदर। अब देखते हैं इंडिया का, भारत का रिस्पॉन्स क्या था। ट्रेवलिंग रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे एंड सस्पेंड वीजास फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है। States have been asked to identify the possible isolation areas in hospitals that can accommodate the larger number. हर एक स्टेट को गाइडलाइन जारी की गई थी कि आपने 14 डेज का आइसोलेशन पीरियड करवाना है, किसको, जो रिसेंटली ट्रेवलिंग हिस्ट्री होगी जिसकी, या फिर जिसके अंदर COVID-19 के सिम्टम्स दिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए थे रिगार्डिंग द डाउट्स रिलेटेड टू सिम्टम्स ऑफ द डेडली डिजीज। द सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर्ड एट द हाईएस्ट लेवल, बिल्कुल ठीक है। अभी था PCR टेस्ट, इफ PCR टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आता है, ये इंस्टेंट टेस्ट था, याद रखना ये इंस्टेंट टेस्ट था, तो वो इंसान के भी, ह्यूमन बीइंग के जो सैंपल्स रहेंगे उसको हम लोग भेजेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, विच इज द ओनली गवर्नमेंट लेबोरेटरी करंटली डूइंग द जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर द फाइनल कंफर्मेशन, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पूना के अंदर है, इज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ, ये एक इंस्टीट्यूट है, किसका इंस्टीट्यूट है सर, ये इंस्टीट्यूट है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये इंस्टीट्यूट है, याद रखना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
अब ये एस्टैब्लिश कब किया गया था सर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सर, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1952 में सर, कहाँ पे, वो तो आंसर क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है सर, पुणे में किया गया था ना 1952 एट पुणे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक। आगे चलें, अब आगे चलें, अब देखते हैं, कहते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट इन फेवर ऑफ स्टेट पॉलिटिकल फंडिंग फॉर द पोल्स, इंपॉर्टेंट रहेगा सर, जनरल स्टडीज टू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा GS2 के लिए। कहते द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस हैज इन्फॉर्म लोकसभा दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा में इन्फॉर्मेशन किया दिया गया है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन द फेवर ऑफ स्टेट फंडिंग। ठीक, अब क्या है कंसेप्ट, कहते द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन वॉज, सर किसी टाइम पे तो इलेक्शन कमीशन ने स्टेट्स के इलेक्शंस को फंडिंग की थी सर, वो कमेटी कौन थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी, तो प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो थी द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस वाज रिकमेंडेड बाय द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इन 1988 1998 आई एम सॉरी 1998 के अंदर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। कहते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड दैट इट वुड नॉट बी एबल टू प्रोहिबिट और चेक कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर बाय अदर्स, कहने का कंसेप्ट देखो सर, रीजन क्यों था ये न्यूज आने का कि इलेक्शन कमीशन हैज स्टेटेड दैट इट वुड नॉट बी एबल टू प्रोहिबिट और चेक कैंडिडेट एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर बाय द अदर, कोई और ना उसके ऊपर खर्चा कर रहा हो, एंड अबव दैट विच इज प्रोवाइडेड फॉर बाय द स्टेट। द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हैज सजेस्टेड दैट स्टेट फंडिंग वुड एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पुअर पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल ठीक है, देखिए ऐसा नहीं रहता है, उन्होंने रिकमेंडेशन क्यों दिया था, क्योंकि पुअर पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान में रखते हुए दैट आर्ग्यूड दैट सच अ मूव वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर पुअर पब्लिक पार्टी बनाई गई है तो वो फंडिंग के कारण आगे ना बढ़ पाए, ठीक है ना। कहते इट हैड ऑल्सो रिकमेंडेड दैट स्टेट फंड्स शुड ओनली बी गिवन टू रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, याद रखना सिर्फ नेशनल और स्टेट पार्टीज को ही फंडिंग की जाएगी। इट हैड रिकमेंडेड दैट फंडिंग शुड गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू दीज पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपके ये वाले पॉइंट्स। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो 1998 के अंदर आई थी, प्लीज नोट डाउन कर लेना सर इसको। आगे चलते हैं, कहते द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द इनकम टैक्स एक्ट, भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ चेंजेस लेकर आए थे, एंड लिमिटेड एनोनिमस कैश डोनेशन ऑफ 2000 तक से टू डिस्करेज द कैश ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी। सर ट्रांसपेरेंसी तो लानी थी जिसके कारण हमने इनकम टैक्स के अंदर संविधान के अंदर कुछ एक्ट्स को चेंजेस किया था इन द सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2018 सर, कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2018 के अंदर, टू एस्टैब्लिश क्यों किया गया ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, ताकि पता लगे लोगों को भी कि ये पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आया कहाँ से। ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम इन द कंट्री विद अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑडिट ट्रेल्स, और कौन से एक्ट के अंदर, वो था सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, याद रखेगा सर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो फंडिंग के अंदर शुरू की गई 2018 के अंदर, वो शुरू की गई थी ट्रांसपेरेंसी के कारण, और कौन से एक्ट के अंदर आया था, वो था सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है ना। मेथड्स, अब क्या है मेथड, क्या है फंडिंग के, इंडिविजुअल पर्सन दे सकते हैं, इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट भी रहता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहां तक बताइए, कोई डाउट। अब इश्यूज क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग सर, जो यूज ऑफ फेक कंपनीज टू राउट ब्लैक मनी, जब बोलते हैं कि पैसा घुमाना है, छोटी छोटी कंपनीज बनाई जाती हैं तो वो फंडिंग की जाती है जिसके कारण उनका ब्लैक का पैसा व्हाइट में हो जाता है, उस चीज को रोकने के लिए हमने ये कंसेप्ट उठाए, ठीक है ना। कहते इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल एंड कंपनीज ओवर पॉलिटिकल पार्टीज टू विच दे प्रोवाइड फंड्स, ठीक है, पहले दो पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं आया। कहते देयर आर वेरियस गैप्स इन इंडियन रूल्स द बेनिफिट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी टेक टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ
रिपोर्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप होल्स। कुछ ऐसे लूप होल्स रहते हैं जो ये लोग यूज कर लेते हैं। हिडन सोर्स ऑफ फंडिंग को रोकना है, क्योंकि हमने तो ट्रांसपेरेंसी यूज करना है ना, ट्रांसपेरेंसी यूज करना है। लीड टू मोर स्पेंडिंग ऑफ फंड्स इन इलेक्शन कैंपेन, दस इंपैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, मैं आज तक का सेशन यहीं तक रोकूंगा, करंट अफेयर्स वाला। हम इसी तरीके से सारे मंथ्स को कवरअप करते जाएंगे डेली बेसिस पे। क्लियर है? तो मैं आशा करूंगा कि मेरा ये वाला सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको रेट कीजिए और व्यू कीजिए। अगर किसी को देखे कोई भी डाउट रहता है ना ये सेशन को लेकर, कोई न्यूज को लेकर, कुछ और भी आपने नॉलेज लेनी है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले सेशन के अंदर उसका आंसर दे दूंगा। क्लियर है? थैंक यू फ्रेंड्स।